डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इमेजिनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और अब भी जो हमारा 2020 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना, और ये हमारी आईसीटी की पहली क्लास है। धीरे धीरे करके हम पूरा कंप्लीट आईसीटी करेंगे। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजिनेट है तो जीआरएफ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का मतलब क्या है और उसका कहां कहां पे यूज़ होता है और पहले कंप्यूटर क्यों बना था। देखिए कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना करना, इसलिए इसे गणनक या संगणक भी कहा जाता है। इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात ये आती है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर आज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो उसका उद्देश्य आज के लिए नहीं हुआ था, उसका उद्देश्य कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। सबसे पहले जब बनाया गया था तो कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर को बनाया गया था, लेकिन आज जैसे आप सभी को पता है कि आज इसका हम इस्तेमाल ईमेल करने के लिए और ऑडियो वीडियो कॉलिंग के लिए, डेटाबेस के लिए, गेम खेलने के लिए और पता नहीं कहां कहां यूज़ कर रहे हैं। इसका कोई अंत नहीं, आज बहुत जगह पर इसका यूज़ किया जा रहा है, बैंकों में यूज़ किया जा रहा है, शिक्षण संस्थाओं में यूज़ किया जा रहा है, कार्यालय में, घरों में, हर जगह पर इसका यूज़ किया जा रहा है। और कंप्यूटर का जनक कौन है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज का जन्म लंदन में हुआ था। वहाँ की अगर भाषा की बात करें दोस्तों तो वहाँ की भाषा अंग्रेजी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कंप्यूटर का नाम लैटिन शब्द से लिया गया है, क्योंकि इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं लैटिन से, ग्रीक भाषा से आए हैं। तो दोस्तों एक ऐसी मशीन के लिए जो गणना करती है उसके लिए लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट को इंक्लूड किया गया, और कंप्यूट से ही हमारा क्या बना है, कंप्यूटर शब्द बना है। अगर हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर है सी का मतलब है कॉमनली ऑपरेटेड, एम का मतलब मशीन, पी का मतलब है पर्टिकुलरली, यू का मतलब है यूज, टी का मतलब है टेक्निकली, ई का मतलब एजुकेशन और आर का मतलब है रिसर्च। तो आप ये चाहे तो फुल फॉर्म याद कर सकते हैं दोस्तों, इसमें से वैसे तो क्वेश्चन नहीं आया लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, जनरेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें से क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करके देखना, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के, उनमें आपको ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत मिल जाएंगे। और अब हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसकी जनरेशन, प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन ये कब आई थी दोस्तों, 1945 से लेकर 1955 के बीच मानी जाती है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1945 से मानी जाती है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। और वो मैचिंग करने के अंदर क्वेश्चन आया था दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और साइड में वो दिया हुआ था वैक्यूम ट्यूब आएगा, आईसी आएगा, क्या आएगा वो था। इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था, इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप एवं पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना दोस्तों। ये चीज़ें इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आप यहाँ पे पिक देख सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था वो इस तरह का दिखाई देता था। और आपने सुना भी होगा कि पहले जो कंप्यूटर होते थे वो पूरे रूम के अंदर बनाए जाते थे, पूरे रूम को कवरअप करते थे।
लेकिन आज तो जैसे हमें पता है कि आज के कंप्यूटर हैं बहुत छोटे छोटे हैं, और एक मोबाइल है, मोबाइल को भी एज ए हम कंप्यूटर कह सकते हैं, उसको भी हम कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, और पता नहीं जो काम हम कंप्यूटर से कर रहे हैं वही काम आज हम मोबाइल से भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज के कंप्यूटर का जो साइज़ है वो बहुत छोटा हो गया है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों द्वितीय पीढ़ी, सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। ये आई थी दोस्तों 1955 से लेके 1964 के अंदर आई थी। द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था दोस्तों। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर का। और फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। इसका विकास किसने किया था? विलियम शॉकली ने किया था। 1947 में इसका इस्तेमाल किया था। इसमें असेंबल भाषा का उपयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाता था। और सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी पिक देख सकते हैं। नंबर 3 पे है दोस्तों हमारे पास थर्ड जनरेशन। इसकी शुरुआत है 1964 से 1975 के बीच में माने जाते हैं। और ये देख सकते हैं इस तरह का कंप्यूटर होता था थर्ड जनरेशन का। इसके अंदर क्या है दोस्तों, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 से मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी का उपयोग किया जाता था। आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का विकास 1958 में किसने किया था? जैक किल्बी ने किया था। ये यहाँ पे आईसी की बात हो रही है दोस्तों। आईसी का विकास कब हुआ था? 1958 में। आईसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, इसमें आईसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था एसएसआई का। और एसएसआई का पूरा नाम क्या है दोस्तों? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी कि छोटे लेवल पे पार्ट्स को असेंबल करना, ये होता है दोस्तों। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों? हाई लेवल लैंग्वेज। और ऊपर क्या थी? ऊपर हमारी मशीनी भाषा का उपयोग किया गया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में, ये देखिए इसमें भी असेंबल भाषा का उपयोग किया गया था, ठीक है। और इसमें देखिए, यहाँ पे इसमें मशीनी भाषा का उपयोग किया गया था, ये देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सभी ध्यान में रखना, किसमें कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का उपयोग किया जाने लगा था, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। और इसमें आप कंप्यूटर देख सकते हैं, इस तरह का आ गया था, ऐसे दिखने लग गया था। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1975 से 1989 के बीच मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया था। और इसमें कौन सी तरह की, कौन सी आईसी थी? इस आईसी में VLSI तकनीक का उपयोग किया गया था। और VLSI की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पिछले में किसका उपयोग किया गया था? SSI का, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया था, ये चीज़ आप याद रखना। और VLSI की एक और फुल फॉर्म भी उन्होंने पूछी हुई थी एग्जाम के अंदर, तो आपको फुल फॉर्म भी पता होना जरूरी है। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया था, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों पांचवी पीढ़ी की, फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। ये कौन सी है? फिफ्थ जनरेशन है दोस्तों। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की शुरुआत 1989 से मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाने लगा था। आईसी की यह तकनीक VLSI मानी जाती है। और इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, बहुत लार्ज स्केल पे उसका इंटीग्रेशन करना, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स बनाना, बहुत छोटे पार्ट्स बनाना, यानी कि ऐसा होने लग गया था कि कंप्यूटर का जो साइज़ है वो कम से कम हम कर सके, उसका भार कम कर सके, उसकी जो स्पेस है स्पेस हम कम कर सके। और आगे क्या है दोस्तों? इसमें हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का उपयोग किया जाने लग गया। इन भाषाओं में GUI इंटरफेस का उपयोग किया जाने लग गया। और अब देखिए दोस्तों, आगे हमारे पास नैनो कंप्यूटर। नैनो स्तर पर निर्मित नैनो ट्यूब के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर का विकास किया जा सकता है। देखिए नैनो का मतलब क्या है कि बहुत छोटे लेवल पे कंप्यूटर को बनाना, बहुत छोटा बनाना, और उसकी जो क्षमता है ना, काम करने की एबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा विकसित करना, क्षमता उसकी ज़्यादा विकसित करना। आगे दोस्तों हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर। यह प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, यानी कि इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसमें जो स्पीड होगी ना, स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड होगी। इसके अंदर जो डेटा वगैरह है वो बहुत अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। और ये कलियुगम में रहते हैं, इसे क्यूबिट्स भी कहते हैं। इसके अंदर देखिए दोस्तों, वैसे तो ये क्वांटम कंप्यूटर आज भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये
नॉर्मल चलन में नहीं है, ये बड़ी बड़ी लैब्स वगैरह के अंदर इनका यूज़ किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर और नैनो कंप्यूटर इन दोनों को यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बहुत ये बड़ी बड़ी लैब्स जो होती हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है। और जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो दोस्तों 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।